समाचार है कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी, जिसके बाद एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। बिजनौर और आसपास के इलाके में भी एसटीएफ की रेड देखने को मिली है। एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बिजनौर और आसपास के इलाकों में भी एसटीएफ की रेड पड़ी है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गया। सुदीप, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि सूत्रों के हवाले से सामने लक्सर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, एसटीएफ ने हरिद्वार में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, हाल ही में जब यूकेएसएससी से परीक्षाएं के पेपर लीक होने की शिकायत आई तो लोक सेवा आयोग को कई परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के क्रम में रविवार को एक पटवारी संवर्ग का परीक्षा पत्र की परीक्षा आयोजित हुई थी और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। कुछ लोगों को पेपर लीक करके पहले पेपर सॉल्व कराया गया। एसटीएफ को शिकायत मिली थी, एसटीएफ की टीम ने लक्सर में दबिश की है कल देर रात और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और यही एसटीएफ की टीम बिजनौर व आसपास के इलाकों में भी सर्च अभियान चला रही है, जो हमारी जानकारी है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी तक इस पर एसटीएफ या पुलिस या प्रशासन किसी का कोई आधिकारिक वर्जन नहीं मिला है, लेकिन ये शक और गहरा गया है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा हुई परीक्षा में भी सेंधमारी हो गई है, तो ये आज की निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। सुदीप, क्योंकि पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने की बात है, तो ऐसे में इसकी सूचना सबसे पहले कैसे, कहां से निकल के आई, क्या किसने इसकी शिकायत की थी? जी देखिए, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एसटीएफ की टीम कल लक्सर इलाके में थी, वहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उन्हीं की निशानदेही पे टीम बिजनौर की ओर भी गई है, यानी इसमें भी कोई नेटवर्क हो सकता है। और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी रविवार की परीक्षा थी, शनिवार को ये पेपर सॉल्व कराया गया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये परीक्षा पत्र, ये एग्जाम पेपर डबल लॉक लॉकर में रखे गए थे, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है, कि क्या ये डबल लॉक से लीक हुए या जहां से छप के आए वहां से लीक हुए, इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये सारी चीजों का भी पर्दाफाश होना बाकी है। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया कि बिजनौर और आसपास के इलाके में भी एसटीएफ की रेड देखने को मिली है। जी यही मैं बता रहा हूँ कि हरिद्वार से कुछ लोगों को एसटीएफ की टीम ने लिया और इन्हीं लोगों को लेकर टीम बिजनौर व आसपास गई है। हमें आधिकारिक अभी जानकारी का इंतजार है, पर सबसे पहले जानकारी न्यूज वन इंडिया दर्शकों को दे रहा है। जी सुदीप, और ऐसे में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर यूके SSSC की तरफ से कुछ कवायद की जानी चाहिए ताकि इस पर रोक लगे? देखिए, लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी तो यूकेएसएससी का सर्वप्रथम तो इससे कोई लेना देना नहीं है जी। दूसरा, अब अगर आधिकारिक रूप से ये पुष्टि होती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, ये लोग अरेस्ट हुए, इनसे क्या सामग्री बरामद हुई, इसके बाद लोक सेवा आयोग से और विस्तृत जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी लोक सेवा आयोग है, तो आखिर लोक सेवा आयोग तक से सेंधमारी हो गई, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी है। बिल्कुल, कटघरे में अब लोक सेवा आयोग होनी चाहिए और ऐसे में आगे ऐसे मामले ना आए, इसके लिए कवायद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप।